ब्रदर्स नोबडी टॉक अबाउट एमन टारगेरियन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट, आगे सीरीज में आपका मजा खराब हो सकता है, तो अगर आपको रुकना है तो स्टॉप इट राइट नाउ। तो बाबा एमन टारगेरियन जिसने लिटरली हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 को अपने कंधे पर उठा के रखा है, जैसे सीजन 1 पर डेमन टारगेरियन ने संभाला था, लेकिन इस सीजन में तो मेकर्स ने डेमन का चूतिया ही काट रखा है। नो यूज ऑफ हिम। बाबा इस 16 साल के लौंडे ने अच्छे अच्छे दिग्गजों की गांड फाट के रखी है। मैलीज और रैनीज जैसे हाई एक्सपीरियंस धुरंधरों को भी पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया था। भाई इस पूरी सीरीज का क्रूअल द सेविज राइडर डेमिन की भी गांड फटती है 1-on-1 में एमंड के सामने जाने में। और अभी कुछ इंटेलिजेंट लोग मुझे गॉड्स आई का एग्जांपल दें तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक आते आते वेगार काफी घायल और कमजोर हो चुका था, लेकिन यहां भी डेमन और कराक्सिस अकेले वेगार से नहीं भिड़ेंगे। सीप स्टेलर ड्रैगन की पूरी पूरी मदद लगेगी वेगार को गिराने में। बैक टू द पॉइंट कि बाबा इस 16 साल के लौंडे ने क्या तबाही मचा रखी है। बाबा इसके और इसके ड्रैगन का नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है। क्वीन रनीरिया जब डेमन टारगेरियन से छोड़कर चला गया था, फुल टेंशन में आ चुकी थी कि एमंड को कैसे टैकल कर जाएगी। अभी उसे वर्मीथोर, सी स्मोक और सिल्वर विंग मिल गए हैं, लेकिन सी नोज द इनर मोस्ट कि इन अनएक्सपीरियंस राइडर को ये चुटकियों में सफाया कर सकता है इजली, यानी इन्हें मसल सकता है इजली। भाई साहब दाद देनी पड़ेगी 16 साल के लौंडे को जिसने दुनिया ही क्या देखी है, एंड वो उस स्टेज पर है जहां उसे अच्छे से ये तक नहीं पता है कि ये थ्रोन, ये किंगशिप, ये सारे राजपाट का आखिर एक्चुअल मतलब क्या है, इस गद्दी का असली मतलब क्या है, जिसके लिए टारगेरियंस में ये सिविल वॉर छिड़ी हुई है, यानी अपने ही सगे में आपस में ये एक दूसरे को मार रहे हैं। लेकिन इस बंदे के जज्बे को सलाम है, डर की एक सिकन नहीं होती इसके चेहरे पर जब भी वॉर के नाम इसके सामने आता है, एंड ही इज अ फाइन फाइन वॉरियर। अगर टारगेरियंस में सिविल वॉर नहीं छिड़ती तो ये बंदा टारगेरियंस का दबदबा डेकेड्स ऑफ डेकेड्स तक बना के रखता। भाई साहब ये डेमन से भी खतरनाक है, ऊपर से यंग है, गर्म खून का है, तो मारने से पहले किसी को भी ये ज्यादा सोचता नहीं है। डेमन से खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि एगोन ने जब इसकी मजाक उड़ाई थी, जब प्रोस्टिट्यूट हाउस में था ये अपनी फेवरेट प्रोस्टिट्यूट के साथ, तब इसे इंटरफेयर कर दिया था। तो रूकरेस्ट की लड़ाई में जब मैलीज और सनफायर भिड़े हुए थे, बिना एगोन की परवाह करते हुए दोनों ड्रैगन के ऊपर इसने अपने वागार से छुलसा दिया था, जिससे एगोन और उसका ड्रैगन पूरी तरीके से झुलस गया था और नीचे गिर चुके थे। तो वैसे उस छोटे से वॉरियर ने भी हिला के रखा है सबको। इसमें एक बार के लिए एगोन द कॉन्करर की झलकी भी दिखने को मिलती है। अगर डेमन इसे गॉड्स आई में मारता नहीं तो ये सारे ब्लैक्स को एक लाइन से खत्म कर देता बहुत ही क्रूअली तरीके से। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।